हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि भैया हमको इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बताइए, इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे किया जाता है एंड इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पहले हम लोगों को क्या क्या बेसिक फंडामेंटल इसके बारे में पता होना चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग अच्छे से कर सकें। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर होने वाला है। इंट्राडे ट्रेडिंग करके मैं आपको लास्ट में लाइव दिखाऊंगा कि कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग किया जाता है, और उससे पहले मैं आपको इसके बेसिक फंडामेंटल के बारे में भी बताऊंगा। तो अगर आप भी इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इंट्राडे ट्रेडिंग क्यों किया जाता है? दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग क्विक प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है। अगर हम लोगों को लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कमाना होता तो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते, जबकि हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोगों को क्विक प्रॉफिट कमाना होता है। इसके अलावा इंट्राडे के अंदर हम लोग पहले बाय करके सेल कर सकते हैं, ये तो हम लोगों को पता है, लेकिन हम लोग पहले सेल करके भी बाय कर सकते हैं, तो ये भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर हम लोग बाय करके सेल करते हैं तो ऐसे पोजीशन को हम लोग लॉन्ग पोजीशन बोलते हैं। अगर हम लोग पहले सेल करते हैं इसके बाद अगर हम लोग बाय करेंगे तो इसको हम लोग शॉर्ट पोजीशन बोलते हैं, यानी कि लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन दो तरह का पोजीशन होता है, दो तरह का यहाँ पर ट्रेडिंग होता है। ठीक है, अब हम लोग लॉन्ग पोजीशन कब बनाते हैं? जब हम लोगों को लगता है कि किसी स्टॉक्स का प्राइस बहुत ज़्यादा गिर चुका है, बहुत ज़्यादा नीचे है, अब ये फ्यूचर में आगे जाकर के ऊपर जाने वाला है। ठीक है, सेम डे के अंदर हो सकता है कोई न्यूज़ आ गया, अच्छा न्यूज़ आ गया और आपको लगता है कि इसका प्राइस ऊपर जाने वाला है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो। जैसे उसका प्राइस बढ़ जाएगा इसके बाद आप सेल करके वहाँ से प्रॉफिट कमा सकते हो। ठीक है, सेम इसका अपोजिट भी होता है मार्केट के अंदर। अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं तो इंट्राडे के अंदर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि किसी स्टॉक्स का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और कोई गंदा न्यूज़ आ गया उस स्टॉक से रिलेटेड और आपको लगता है कि ये स्टॉक का प्राइस अब गिरने वाला है, तो आप ऐसे केस में क्या कर सकते हो, हाई प्राइस पर आप बेच सकते हो। बेचने के बाद जब उसका प्राइस नीचे गिर जाएगा तब आप बाय कर लोगे, तो जो आपने बाय किया हुआ है और जो आपने सेल किया हुआ है इसके बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो आपका प्रॉफिट रहेगा। तो इस तरह से आप इंट्राडे के अंदर पहले बाय भी कर सकते हो और पहले सेल भी कर सकते हो। अब जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उनको टाइमिंग का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रहता है। इंट्राडे ट्रेडिंग आप किस टाइम पर कर सकते हैं? देखिए, मार्केट जो ओपन होता है 9:15 पर होता है और क्लोज होता है 3:30 पर, बट आपको 3:30 तक अपने इंट्राडे पोजीशन को होल्ड नहीं करना है, आपको 3:30 से पहले अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना है। कितना पहले? कम से कम 15 मिनट आप पहले, यानी कि 3:15 से पहले पहले अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लीजिए, चाहे प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो, दोनों ही केस में आपको इंट्राडे के केस में आपको 3:15 से पहले एग्जिट करना ही होगा। अगर आप 3:15 तक अगर अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं करते हैं, स्क्वायर ऑफ क्या होता है, स्क्वायर ऑफ उसी को बोलते हैं, अगर आपने बाय किया हुआ है तो आप सेल करेंगे तो उसको स्क्वायर ऑफ बोलेंगे, अगर आपने सेल करके रखा हुआ है पहले और उसके बाद में अगर बाय करेंगे तो उसको भी हम लोग स्क्वायर ऑफ भी बोलेंगे। ठीक है, तो अगर आप 3:15 से पहले पहले अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं करते हैं तो आपका ब्रोकर ऑटोमेटिक उसको किसी भी टाइम 3:15 से 3:30 के बीच में स्क्वायर ऑफ कर लेगा। और अगर ब्रोकर अपने से खुद से अगर उसको स्क्वायर ऑफ करता है तो आपसे पेनाल्टी के रूप में 50-55 रुपये के आसपास आपसे चार्जेस ले सकता है। तो अगर आपको इस पेनाल्टी से बचना है तो 3:15 से पहले पहले अपने इंट्राडे पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लीजिए। और दोस्तों, आप इंट्राडे ट्रेडिंग अगर करते हैं तो आप यहाँ पर किस किस बेसिस पर इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देख सकते हैं, प्राइस एक्शन देख सकते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न देख सकते हैं। इसके अलावा आप इंडिकेटर्स के थ्रू भी इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो काफ़ी सारे इंडिकेटर्स हैं, इनके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको इनके बारे में भी बता दूंगा। ठीक है, इसके अलावा आपको टाइम फ्रेम वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उनका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों, इंट्राडे के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव जो फीचर होता है वो मार्जिन का होता है, तो मार्जिन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको कोई शेयर खरीदना है तो आपको यहाँ पर कितना पैसा देना पड़ेगा, मतलब कितना कम पैसा देना पड़ेगा, उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन। जैसे हम लोग एग्जांपल के लिए मान करके चलते हैं कि कोई शेयर का प्राइस 500 रुपये है और यहाँ पर हम लोगों को 5 गुना का मार्जिन मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 100 रुपये में ही उस 500 रुपये के शेयर को खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है मार्जिन। अब हर एक ब्रोकर का मार्जिन अलग अलग हो सकता है, बट यहाँ पर मोस्टली जो ब्रोकर होते हैं वो सेबी के रूल्स के हिसाब से 5 गुना का मार्जिन देते हैं, तो आपको यहाँ पर 5 गुना का मार्जिन मिलता है। इसका मतलब अगर आपको 1 लाख का अगर कोई शेयर खरीदना है तो आप उसको 20,000 रुपये में भी खरीद सकते हैं। और मार्जिन के कुछ फायदे हैं तो वहीं कुछ नुकसान भी हो सकते हैं,
और दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि किस तरह से मार्जिन आपको फ़ायदा भी दिला सकता है और ज़्यादा नुकसान भी करा सकता है। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल के लिए मान करके चलते हैं कि एक कोई शेयर है जिसका प्राइस 500 रुपये है और हमारे पास अभी मान लो कि 500 रुपये ही अवेलेबल हैं। तो ऐसे में अगर हम लोग डिलीवरी में उस शेयर को खरीदेंगे तो हम लोग सिर्फ एक शेयर खरीद सकते हैं, यानी कि 500 रुपये देंगे बदले में हम लोगों को एक शेयर मिल जाएगा। अब अगर उस 500 रुपये के जो शेयर है उसका प्राइस अगर बढ़ करके 510 रुपये हो जाता है तो ऐसे केस में हम लोगों को सिर्फ 10 रुपये का प्रॉफिट होगा। अगर वही उस शेयर का प्राइस अगर गिर करके 500 रुपये से गिर के 490 हो जाता है तो हम लोगों को ऐसे केस में 10 रुपये का नुकसान होगा। वहीं अगर हम लोग इंट्राडे के अंदर मार्जिन फैसिलिटी का यूज़ करते हैं तो ऐसे में हम लोगों को 5 गुना का मार्जिन मिलता है। 5 गुना का मार्जिन कौन देता है? आपका ब्रोकर देता है। जैसे इस केस में हम लोग अपस्टॉक एप्लीकेशन का यूज़ करने वाले हैं तो अपस्टॉक हम लोगों को 5 गुना का मार्जिन देगा। इसका मतलब अगर हमारे पास 500 रुपये अवेलेबल हैं तो 500 रुपये के बदले हम लोगों को 5 गुना, यानी कि हमारे पैसे को 5 गुना कर देगा। कितना कर देगा? 5 गुना। तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 5×25,000, यानी कि 2500 रुपये तक का हम शेयर खरीद सकते हैं। हमारे पास पैसे सिर्फ 500 हैं लेकिन 2500 रुपये तक का शेयर खरीद सकते हैं। तो उस 500 रुपये शेयर का जो प्राइस है उसको हम लोग कितना खरीद सकते हैं शेयर? अधिक से अधिक तो 2500 रुपये है तो 2500 रुपये में हम लोग 5 शेयर खरीद सकते हैं। इसका मतलब वो जो 500 रुपये का शेयर है अगर उसका प्राइस 10 रुपये बढ़ जाता है तो हम लोग 5 शेयर खरीद करके रखे हुए हैं, इसका मतलब हम लोगों को 50 रुपये का प्रॉफिट होगा। हमारे पास पैसे सिर्फ 500 रुपये हैं लेकिन हम लोगों को प्रॉफिट कितना हुआ? 50 रुपये का हुआ, यानी कि कम समय में ज़्यादा फायदा। ये होता है मार्जिन। वहीं हम लोगों को नुकसान कैसे हो सकता है? मान लो कि 500 रुपये का जो शेयर प्राइस है वो अगर गिर करके 490 हो जाता है, यानी कि 10 रुपये उसका प्राइस गिर जाता है, और ऐसे में हम लोग 5 शेयर खरीद करके रखे हुए हैं तो हमारा नुकसान भी 50 रुपये का हो सकता है। तो लेवरेज का फ़ायदा और नुकसान दोनों हो सकता है। लेवरेज के कुछ लोग ज़्यादा अगर यूज़ करते हैं अपने जितना कैपेसिटी है, जितना रिस्क कैपेसिटी है उससे अगर ज़्यादा यूज़ करते हैं, कि जैसे मान लो हमारे पास 20,000 रुपये अवेलेबल है और हम लोग 1,00,000 का शेयर खरीद लिए, तो ऐसे में हम लोगों को प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा और अगर नुकसान होगा तो नुकसान भी ज़्यादा होगा। तो लेवरेज का फ़ायदा उतना ही उठाइए जितना आप रिस्क लेने के लिए रेडी हैं। तो आई होप आपको मार्जिन का कॉन्सेप्ट तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग किया जाता है, लेकिन अगर आप एक बिगिनर्स हैं तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पहले सीखना पड़ेगा और सीखने के लिए आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा पेपर ट्रेडिंग करना पड़ेगा। तो आप पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग कैसे करना है, कौन से एप्लीकेशन से करना है, तो उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके ऊपर हमने सेपरेट एक वीडियो में बात किया हुआ है। तो दोस्तों इंट्राडे के बारे में आपको आगे कुछ भी बताऊं उससे पहले मैं आपका एक छोटा सा डाउट क्लियर करना चाहूँगा, और इसके बारे में यूट्यूब पर कोई भी बात नहीं करता। तो दोस्तों जो बिगिनर्स होते हैं ना उनके मन में ये जरूर डाउट आता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इंट्राडे आप कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। देखिए अगर हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर, मतलब इसको हम लोग इंडाइसिस बोलते हैं, अगर इंडाइसिस के अंदर हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो उसको हम लोग जनरली ऑप्शन ट्रेडिंग बोलते हैं, और ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर इंट्राडे और डिलीवरी दोनों ऑप्शंस रहते हैं। ठीक है, उस इंट्राडे का इस इंट्राडे से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए दूसरा, अगर आप स्टॉक्स के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो स्टॉक्स के अंदर भी आपको इंट्राडे और डिलीवरी का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, और नॉर्मल जो इंट्राडे होता है स्टॉक्स के अंदर और नॉर्मल जो डिलीवरी होता है वो अलग चीज़ है, और जो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जो इंट्राडे और डिलीवरी है वो अलग चीज़ है। तो इन दोनों को आप कन्फ्यूज़ मत कीजिएगा, दोनों को एक में मिक्स मत कीजिएगा। क्लियर, जो ऑप्शन ट्रेडिंग वाला होता है उसका एक लिमिटेड पीरियड होता है, एक्सपायरी डेट होता है, तो उसके बेस पर इंट्राडे और डिलीवरी होता है। ठीक है, जबकि यहाँ पर जो इंट्राडे और डिलीवरी है इसमें कोई भी एक्सपायरी वगैरह वाला नहीं रहता है सिस्टम, तो इसलिए ये वाला इंट्राडे अलग रहता है और वो इंट्राडे अलग रहता है, उसमें ग्रिक्स वगैरह काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। जबकि ये वाला जो इंट्राडे हम लोग आज के वीडियो में जो देखने वाले हैं वो सिंपल वाला है, जो कि स्टॉक्स के अंदर हम लोग जनरली स्टॉक्स को खरीदेंगे और बेचेंगे। तो चलिए आई होप आपको ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि किस तरह से इंट्राडे ट्रेडिंग किया जाता है, लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं ये वीडियोस किसी के लिए रिकमेंडेशंस नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पज से है। इसलिए इस वीडियो में मैं जिस भी पर्टिकुलर शेयर को यूज़ करूंगा इंट्राडे ट्रेडिंग को समझाने के लिए वो शेयर्स किसी के लिए रिकमेंडेशंस नहीं रहेगा कि आप इसी पर्टिकुलर शेयर को खरीदें या फिर बेचें। और हाँ, इस वीडियो का मकसद ये भी नहीं है कि यहाँ पर मैं प्रॉफिट कमाऊँ या फिर लॉस लेकर के निकलूँ, इसमें कुछ भी हो सकता है क्योंकि मैं यहाँ पर एनालिसिस नहीं किया हूँ, सिर्फ इन्फॉर्मेशनल पर्पज से मैं आपको यहाँ पर प्रोसेस सिखाने वाला हूँ कि किस तरह से इंट्राडे ट्रेडिंग किया जाता है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहां पर देखिए अपस्टॉक एप्लीकेशन को इस तरह से लॉगिन कर लेना है। अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से अपस्टॉक एप्लीकेशन के ऊपर डीमेट अकाउंट है तो वेल एंड गुड, आप इस तरह से लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अपस्टॉक ऐप के ऊपर डीमेट अकाउंट नहीं है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट बॉक्स में आपको इस एप्लीकेशन का अकाउंट ओपनिंग लिंक मिल जाएगा, आप वहां से अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब जैसे ही आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाता है इसके बाद लॉगिन करेंगे तो इसके होम पेज में कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आना है, अकाउंट्स वाले टैब पर आ जाना है, फिर आपको यहां पर फंड ऐड करना है। तो अगर आपके यहां पर वॉलेट में फंड नहीं है तो सिंपली आपको ऐड फंड पर क्लिक करना होगा। जितना भी रुपए आप यहां पर ऐड करना चाहते हैं अमाउंट डाल करके आप यहां पर यूपीआई, नेट बैंकिंग या फिर फोन पे, गूगल पे, इन सब के थ्रू आप यहां पर पेमेंट कर सकते हैं। तो जिसके भी थ्रू आप यहां पर पेमेंट करेंगे आपके यहां पर वॉलेट में पैसा आ जाएगा। इसके बाद सिंपली आपको वॉच लिस्ट में आ जाना है, वापस से माई लिस्ट पर। इसके बाद आपको यहां पर क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है कि किस पर्टिकुलर शेयर में आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो यहां पर देखिए काफी सारे शेयर्स अवेलेबल हैं, किसी भी शेयर पर हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वो पर्टिकुलर शेयर यहां पर नहीं देखने को मिल रहा है तो उसको आप यहां पर से सर्च करके भी खोज सकते हैं। जैसे मैं यहां पर सर्च पर क्लिक किया, हमारे सामने यहां पर सर्च का ऑप्शन आ जाएगा, तो मैं यहां पर सर्च कर लेता हूं SBIN, यानी कि मैं SBI में अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहता हूं तो यहां पर मैंने सर्च कर लिया, हमारे सामने SBI का शेयर आ गया है। इसको मैं यहां पर प्लस के आइकन पर क्लिक करूंगा तो ये हमारे वॉचलिस्ट में भी आ जाएगा। अभी मैं आपको बैक करके दिखाता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारे वॉचलिस्ट में ये SBIN का शेयर आ गया है। अभी मैं इसी पर्टिकुलर शेयर को खरीद करके और बेच करके आपको एग्जिट करके दिखाऊंगा। तो यहां पर देखिए सबसे पहले आपको इस पर क्लिक कर लेना है, फिर जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहां पर बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे यहां पर समरी, चार्ट, ऑप्शन चयन, न्यूज, इसके अलावा आपको फंडामेंटल का भी ऑप्शन मिलता है। तो यहां पर देखिए समरी में आप यहां पर क्या क्या देख सकते हैं। तो यहां पर आप देख पाएंगे कि बिड प्राइस कितना चल रहा है, बिड क्वांटिटी कितना ले रहे हैं यहां पर, ठीक है, आस्क प्राइस कितना है और आस्क क्वांटिटी यहां पर कितना है। इसके अलावा आज के दिन में यहां पर कितने परसेंट लोग बाय कर रहे हैं, कितने परसेंट लोग सेलिंग कर रहे हैं। इसके नीचे अगर आप आएंगे तो यहां पर देखिए ओपन कितने में हुआ था, क्लोज कितना हुआ था प्रीवियस डे, वॉल्यूम आप यहां पर देख पाएंगे आज के दिन में कितना लो और कितना हाई गया है, 52 वीक में कितना लो और कितना हाई गया वो आप देख सकते हैं। बट इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, इसका जरूरत पड़ने वाला है क्योंकि ये जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए जरूरत पड़ता है। इसके अलावा आप इसका चार्ट भी देख सकते हैं यहीं पर। तो यहां पर आप चार्ट में देखेंगे कि मार्केट आज के दिन में काफी ज्यादा नीचे की तरफ गिरा हुआ है एंड इसके बाद थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुल बैक किया, फिर नीचे की तरफ आया और अभी मार्केट यहां पर करेंटली चल रहा है। तो यहां पर अभी इसका करेंट प्राइस जो है वो 526 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, यहां पर आप इसका करेंट प्राइस देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहां पर ऑप्शन चेन भी देख पाएंगे, तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए होता है। अगर आप यहां पर ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट यहां पर इस वीडियो में हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करने वाले हैं, सिर्फ इंट्राडे में आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे स्टॉक्स के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग किया जाता है। इसके अलावा इस पर्टिकुलर शेयर का अगर आप न्यूज देखना चाहते हैं तो यहां पर आप न्यूज भी देख सकते हैं, जो भी इससे रिलेटेड SBI से रिलेटेड न्यूज रहेगा वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप यहां पर फंडामेंटल्स भी देख सकते हैं, बट इसका जरूरत इंट्राडे में नहीं पड़ता है, फंडामेंटल्स का जरूरत तब पड़ता है जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो चलिए हम लोग वापस से समरी वाले टैब पर आ जाते हैं। अभी आप यहां पर देख सकते हैं नीचे की तरफ अगर आप आएंगे तो यहां पर बाय और सेल का ऑप्शन मिल रहा है, तो हम लोग यहां पर बाय करेंगे। देखिए इंट्राडे के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि आप पहले सेल करके भी बाय कर सकते हैं बाद में, और बाय करके बाद में सेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि जो SBI का है प्राइस है अगर बहुत ज्यादा नीचे की तरफ गिर गया है और आपको लगता है कि ऊपर की तरफ जाने वाला है तो आप यहां पर क्या करेंगे, कम प्राइस पर बाय करेंगे और जब प्राइस हाई हो जाएगा तब आप एग्जिट कर देंगे, सेल कर देंगे, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट भी आप कर सकते हैं, अगर मान लो इसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया होता और आपको लगता कि इसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया है और प्राइस आगे चल करके गिरने वाला है आज के दिन में ही, कोई न्यूज बेस पर हो सकता है, कोई इंडिकेटर्स के बेस पर हो सकता है, तो बहुत सारे बेस पर आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर यहां से भी आपको लगता है कि ये भी प्राइस जो है वो SBI का बहुत ज्यादा हाई है और यहां से अगर अगला कैंडल नीचे की तरफ जाने वाला है, अगर आपको ऐसा एनालिसिस लगता है तो आप यहां पर भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर सेल करेंगे, जब प्राइस नीचे गिर जाएगा तो आप क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे, तो वो हो जाएगा स्क्वायर ऑफ आपका हो जाएगा, इसके बाद आप यहां से प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहां पर देखिए प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है और मैं यहां पर डेफिनेटली पहले बाइंग करना पोजीशन को बनाना चाहूंगा, ठीक है। बट अगर आपको सीखना है कि कैसे सेलिंग किया जाता है पहले, इसके बाद कैसे बाय करते हैं, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो अभी हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, बाय करने वाले हैं। वापस से हम लोग समरी वाले टैब पर आ जाते हैं और इसके बाद नीचे की तरफ देखिए बाय और सेल का ऑप्शन मिल रहा है, मैं यहां पर बाय पर क्लिक करूंगा।
अब यहाँ पर समझिएगा, जो बिगिनर्स होते हैं उनको यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है क्या क्या यहाँ पर ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए एनएससी और बीएससी का ऑप्शन मिल रहा है। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आप किसी भी एक्सचेंज पर ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पर एनएससी पर ही करने वाले हैं, नेशनल पर ही। और यहाँ पर देखिए उसके नीचे आपको दो ऑप्शंस मिलता है, रेगुलर और जीटीटी का। तो देखिए रेगुलर ऑर्डर में आप नॉर्मली यहाँ पर बाय करते हैं, बाय कर लेने के बाद आप एग्जिट कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप जीटीटी के अंदर आएंगे तो इसके अंदर आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर देखिए अगर ये डिसेबल है तो इसको आप सिंपली एनेबल करेंगे, यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिलेगा स्टॉप लॉस और टारगेट का। तो इसमें आप स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों एक साथ लगा सकते हैं। तो इसके लिए अगर मैं आप कमेंट करके बोलेंगे तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कैसे स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों एक साथ आप स्टॉक एप्लीकेशन के अंदर लगाया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल हम लोग इसको डिसेबल कर देते हैं एंड यहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जीटीटी का मतलब होता है कि अगर आप यहाँ पर एक बार ऑर्डर लगा देंगे तो ये जब तक पूरे एक साल तक ये ऑर्डर जो है वो वैलिड रहेगा, ठीक है। जैसे अभी 528 रुपए चल रहा है ना, अगर मैं यहाँ पर बाइंग ऑर्डर लगा दूंगा कि 500 रुपए में मुझे खरीदना है तो 500 यहाँ पर सेट करके और जीटीटी में लगा करके छोड़ दूंगा। आज अगर ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा तो कल हो सकता है, परसों हो सकता है, पूरे एक साल तक के अंदर जब भी इसका प्राइस 500 तक आएगा तब वो हमारा ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जीटीटी का ये सब एडवांस फीचर्स भी होते हैं, इसके ऊपर हम लोग एक सेपरेट वीडियो बना देंगे अगर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग रेगुलर ऑर्डर में ही सिंपल बाय करना सीखेंगे। तो मैं वापस से रेगुलर पर आ गया हूं। इसके नीचे आपको यहां पर क्या ऑप्शंस मिल रहा है, बाय विद 50% फंड विया एमटीएफ। एमटीएफ मतलब मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, ठीक है। अगर आप यहां पर 50% पर करेंगे तो यहां पर जो आपका प्राइस दिखाई दे रहा है, यानी कि अगर हम लोग यहां पर क्वांटिटी एक डाले हैं, ठीक है, तो इसका जो प्राइस है 528 रुपए है, ठीक है। तो हमको पूरा 528 रुपए पे करना पड़ेगा अगर हम लोग यहां पर डिलीवरी में करके खरीदने वाले हैं तो, ठीक है। लेकिन डिलीवरी में ही अगर आपको एमटीएफ का यूज करना है तो आप यहां पर एमटीएफ पर क्लिक कर देंगे, आपको यहां पर 50% कम प्राइस देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस का हम लोग बाद में यूज करेंगे, एक एक करके मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, सारे फीचर्स के बारे में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। आज का ये सेपरेट वीडियो होने वाला है इंट्राडे के ऊपर, तो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पर इंट्राडे पर कंसंट्रेट करते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पर इंट्राडे पर सिलेक्ट किया, वो एमटीएफ वाला जो ऑप्शन था वो हट गया यहाँ से, ठीक है। और एमटीएफ की जगह पे हम लोगों को क्या ऑप्शंस मिल गया, यहाँ पर देखिए रिक्वायर्ड अमाउंट कितना है, 105 रुपए का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। यानी कि एक क्वांटिटी खरीदने के लिए जो इसका प्राइस 528 रुपए है, हम लोगों को कितना पे करना पड़ेगा, 105 रुपए पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है मार्जिन फैसिलिटी, मार्जिन के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो यहां पर देखिए इंट्राडे मतलब सेम डे यहां पर लिखा हुआ है, यानी कि आज ही के दिन अगर खरीदेंगे तो आज ही के दिन हमको इसको बेचना भी पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग यहां पर इंट्राडे में ही रहने देंगे एंड क्वांटिटी आप यहां पर देख सकते हैं, क्वांटिटी भी आप यहां पर प्लस के आइकन पर क्लिक करके बढ़ा सकते हैं या फिर आप यहां पर मैनुअली भी टाइप करके यहां पर क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, दो क्वांटिटी खरीद करके मैं आपको दिखाने वाला हूं। इसके अलावा यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे मार्केट लिमिट, स्टॉप लॉस लिमिट, स्टॉप लॉस मार्केट। तो इनका क्या मतलब होता है ये भी समझना बहुत जरूरी है, एक बिगिनर्स को यहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो सबसे पहले आप यहां पर देखिए बाय डिफॉल्ट मार्केट पर ही सिलेक्टेड है, तो इसका मतलब यहां पर मार्केट है, ठीक है। मार्केट है मतलब जो मार्केट का करेंट प्राइस है सेम इसी प्राइस पर ये हमारा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि बाय हो जाएगा। अब अगर यहां पर हम लोग लिमिट लगाना चाहते हैं तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, लिमिट पर क्लिक कर देंगे। अब हम लोग यहां पर लिमिट लगा सकते हैं कि 128 रुपए बहुत ज्यादा प्राइस है, हम लोग यहां पर 120 में खरीदना चाहते हैं, तो इस तरह से हम लोग यहां पर लिमिट लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया दो चीज कि मार्केट का प्राइस मतलब मार्केट जो प्राइस है सेम इसी प्राइस पर बाय हो जाएगा हमारा ऑर्डर, दो क्वांटिटी। अगर हम लोग यहां पर लिमिट लगाना चाहते हैं तो लिमिट लगा सकते हैं कि जैसे 120 रुपए इसका प्राइस आएगा हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरे एक दिन के लिए वैलिड रहता है अगर हम लोग रेगुलर ऑर्डर के अंदर करते हैं तो। जीटीटी के अंदर मैंने आप लोगों को बताया पूरे एक साल तक के लिए वैलिड रहता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए रेगुलर के अंदर भी आपको दो ऑप्शंस मिलता है, नीचे की तरफ मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहां पर नीचे में अगर आप एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर दो ऑप्शंस मिलेगा, डे और आईओसी। इसका मतलब क्या होता है, डे का मतलब ये पूरे एक दिन तक के लिए वैलिड रहेगा, ठीक है, अगर आप लिमिट लगा करके रखते हैं तो। अगर आप आईओसी सेलेक्ट करेंगे तो इमीडिएट ऑर्डर कैंसिल इसका फुल फॉर्म होता है, यानी कि ये ऑर्डर अगर इमीडिएट एग्जीक्यूट हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज ये कैंसिल हो जाएगा तुरंत, ठीक है। तो ये दो ऑप्शंस का जरूरत यहां पर नहीं पड़ता है, फिलहाल इसको हम लोग एडिशनल सेटिंग को यहां पर बंद कर देते हैं, ठीक है। अब यहां पर समझते हैं हम लोग एसएल लिमिट क्या होता है। तो एसएल लिमिट पर अगर हम लोग यहां पर क्लिक कर दे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, एसएल मतलब स्टॉप लॉस, ठीक है, और लिमिट मतलब लिमिट तो मैंने आप लोगों को समझा ही दिया। तो यहां पर आप लिमिट लगा सकते हैं कि कितने पर चाहिए,
ठीक है, और SL मतलब स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस डालने का ऑप्शन आपको यहां पर मिलेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, अगर लिमिट में सेलेक्ट करेंगे तो यहां से देखिए वो ऑप्शन हट गया, लेकिन अगर आप SL लिमिट करेंगे तो यहां पर देखिए ट्रिगर प्राइस का ऑप्शन मिल गया है। तो यहां पर क्या लिखा है, अ लिमिट ऑर्डर विल बी प्लेस्ड व्हेन द स्टॉक प्राइस क्रॉस द ट्रिगर प्राइस सेट बाय यू। तो यहां पर आप ट्रिगर प्राइस सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको यहां पर क्या ऑप्शन मिलता है, स्टॉप लॉस मार्केट। ठीक है, तो यहां पर देखिए मार्केट प्राइस पर ही बाय होगा, बट यहां पर आप अपना ट्रिगर प्राइस भी डाल सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं। अभी फिलहाल हम लोग यहां पर मार्केट प्राइस पर ही ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेंगे, जस्ट बिकॉज इसको मैं आपको लाइव ट्रेड करके दिखाने वाला हूं, लाइव खरीदने वाला हूं। तो अगर मैं यहां पर लिमिट स्टॉप लॉस वगैरह लगाऊंगा तो यहां पर हमको हो सकता है कि ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होने में टाइम लग जाए। तो जो मार्केट का प्राइस है उसी प्राइस पर मैं यहां पर बाय करके दिखाऊंगा, चाहे मुझे लॉस हो या प्रॉफिट, थोड़ा बहुत लॉस होगा तो चलेगा, बट यहां पर मैं आप लोगों को लाइव डेमो सारी चीजें दिखा पाऊंगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं यहां पर मार्केट पर ही सिलेक्ट कर लेता हूं। आई होप आपको ये चारों पॉइंट अच्छे से क्लियर समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसके अलावा एड स्टॉप लॉस का ऑप्शंस भी मिलता है, तो आप यहां पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस कवर आप यहां पर कर सकते हैं, स्टॉप लॉस जितना भी परसेंट का आप रखना चाहते हैं परसेंट वाइज भी कर सकते हैं, या फिर आप रुपए में करना चाहते हैं यहां पर आप रुपए में भी डाल सकते हैं। यहां पर मैं अपना स्टॉप लॉस लगा लेता हूं। ठीक है, चलिए मैं यहां पर स्टॉप लॉस लगा करके भी दिखा देता हूं। तो 520 रुपए का मैंने स्टॉप लॉस यहां पर लगा लिया, तो परसेंट वाइज देखेंगे तो यहां पर 1.23% यहां पर होता है, तो 1.23% का मैं यहां पर रिस्क लेना चाहता हूं इसके अंदर। एंड रिव्यू बाय ऑर्डर पर क्लिक करूंगा, फिर नीचे की तरफ आप यहां पर देख सकते हैं क्वांटिटी 2 है। ठीक है, रिक्वायर्ड अमाउंट कितना है, 210 रुपए है, एंड इसमें हमारा चार्जेस कितना लगेगा, ये सारी चीजें भी आप यहां पर करेंटली देख सकते हैं ऑर्डर प्लेस करने से पहले पहले। ठीक है, तो ये एडवांस फीचर्स आपको अपस्टॉक के अंदर देखने को मिलता है कि इसमें आपको ब्रोकरेज कितना लगेगा, टैक्सेस चार्जेस कितना लगेगा, तो ये सारी चीजें आप पहले ही देख सकते हैं ऑर्डर एग्जीक्यूट करने से पहले। अगर आपको ये ब्रोकरेज सही लगता है तो ठीक है आप कीजिए, नहीं तो आप यहां से भी कैंसिल कर सकते हैं अपने ऑर्डर को। ठीक है, तो अभी हम लोग यहां पर फिलहाल सबमिट ऑर्डर पर क्लिक करते हैं। सबमिट ऑर्डर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप यहां पर देख सकते हैं हमारा जो ऑर्डर है वो बाय हो चुका है। ठीक है, तो ये देखिए यहां पर कंप्लीट लिखा है, इसका मतलब हमारा ऑर्डर बाय हो चुका है। और यहां पर आप देख सकते हैं ट्रिगर अभी पेंडिंग में है, सेल ऑर्डर हमारा यहां पर लगा हुआ है। तो यहां पर देखिए अगर आप यहां पर ऑर्डर के अंदर आएंगे और रेगुलर ऑर्डर में हमने प्लेस किया हुआ है, तो रेगुलर ऑर्डर के अंदर आपको ये दो ऑप्शंस मिलेंगे, जो कि हमारा एक ऑर्डर यहां पर कंप्लीट हो चुका है बाय वाला, एंड हमने जो स्टॉप लॉस लगाया हुआ है ये अभी पेंडिंग में हुआ है। जैसे ये ट्रिगर होगा ये भी हमारा पेंडिंग वाला जो एग्जीक्यूट हो सकता है, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद, लेकिन अभी ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो चलिए अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं कि कहां पर हम लोग देख सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली आपको नीचे की तरफ आना है, पोर्टफोलियो पर क्लिक करना है। जैसे आप पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे आप यहां पर अपना पोर्टफोलियो देख सकते हैं, रिफ्रेश करके देखेंगे यहां पर आप देख सकते हैं आपका जो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो यहां पर प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है। अभी हमने यहां पर पैसा कितना दिया हुआ है, सिर्फ 210 रुपए यहां पर पे करके हमने दो क्वांटिटी बाय कर लिया हुआ है। क्लियर, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब अगर इस ऑर्डर को आपको सेल करना है, जैसे अगर मान लो हमको यहां पर प्रॉफिट हो गया, ठीक है, प्रॉफिट ये बड़ा भी हो सकता है क्योंकि हमने यहां पर दो क्वांटिटी लिया हुआ है। अगर यहां पर क्वांटिटी ज्यादा होता तो यहां पर ज्यादा प्रॉफिट होता। क्लियर, अगर क्वांटिटी कम है तो कम प्रॉफिट होगा। ठीक है, लेकिन लॉस भी उसी स्पीड में होगा, उसी रेशियो में होगा। अगर लॉस होता तो ज्यादा क्वांटिटी में ज्यादा लॉस होता, ठीक है, कम क्वांटिटी है तो कम लॉस होगा। तो अभी मैं आपको यहां पर सिर्फ डेमो दिखाने वाला हूं, इसलिए यहां पर मैंने कम क्वांटिटी में लेकर के यहां पर बाय किया हुआ है, एंड इसके पीछे मैंने कोई भी एनालिसिस नहीं किया हुआ है कि मार्केट बढ़ेगा या फिर घटेगा, इस वजह से यहां पर मैंने कम क्वांटिटी में खरीद करके आपको दिखाया है। ठीक है, अब आपको एग्जिट कैसे करना है, यानी कि स्क्वायर ऑफ कैसे करना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि मार्केट क्लोज होने से 15 मिनट पहले आपको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, अपने ऑर्डर को। तो यहां पर देखिए 12 बज रहे हैं अभी, 3:15 से पहले मेरे को ये एग्जिट करना ही होगा। ठीक है, 3:15 के बाद ये, इसको अगर मैं एग्जिट नहीं करता हूं तो हमारा जो ब्रोकर है अपस्टॉक वो ऑटोमेटिक इसको एग्जिट कर सकता है। ठीक है, किसी भी टाइम 3:15 के बाद 3:30 तक के बीच में, तो ऐसा नौबत ना आए। अगर ब्रोकर ऐसा करता है तो ऐसे में ब्रोकर को हम लोगों को पेनाल्टी भी देना पड़ सकता है। ठीक है, यानी कि ब्रोकर हमसे पेनाल्टी ले सकता है। तो अभी हम लोग यहां पर देखिए अपने ऑर्डर को ऑटोमेटिक मैन्युअली एग्जीक्यूट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां पर क्या करूंगा, ऑर्डर्स वाले टैब पर आ जाऊंगा। इसके बाद जो ये ऑर्डर हमने लगा करके रखा हुआ है स्टॉप लॉस वाला, इस पर मैं क्लिक करूंगा। इसके बाद अगर मैं इसको चाहूं तो मॉडिफाई भी कर सकता हूं। ठीक है, अपना जो स्टॉप लॉस है उसको बढ़ा घटा सकता हूं। इसके अलावा मैं यहां पर कैंसिल भी कर सकता हूं। और अगर आपको ऑर्डर का डिटेल चेक करना है तो ऑर्डर डिटेल पर आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर डिटेल शो करेगा कि ट्रिगर प्राइस कितने का यहां पर हमने लगा करके रखा हुआ है, वैलिडिटी क्या है, और यहां पर सबमिटेड जितना टाइम हुआ तो वो आप टाइमिंग भी यहां पर देख पाएंगे कि कितना टाइम हमने ये स्टॉप लॉस लगाया हुआ था। ठीक है, तो अभी मैं यहां पर कैंसिल कर देता हूं। ठीक है, यस कैंसिल पर क्लिक करके,
तो जैसे ही हमने कैंसिल किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो सेलिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। ऑटोमेटिक जिस प्राइस पर मार्केट चल रहा था सेम उसी प्राइस पर हमारा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक है, यानी कि हमारा जो हमने बाय करके रखा हुआ था वो यहाँ पर कैंसिल कर दिए, तो ये कंप्लीट हो गया ऑर्डर। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर वापस पोर्टफोलियो पर आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हम लोगों को इस ऑर्डर के अंदर कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, तो वो आप यहाँ पर करेक्टली देख सकते हैं कि 2.30 रुपए का हमको प्रॉफिट हुआ है। और अगर आप इसका भी डिटेल चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके बाद हिस्ट्री पर आएंगे तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि कितने रुपए पर हमने बाय किया हुआ था, कितने रुपए पर हमने सेल किया है। ठीक है, तो 527 के भाव में हमने बाय किया था, 528 पे हमने बेच दिया है, तो हम लोगों को थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं प्रॉफिट हुआ है। बट ये प्रॉफिट एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि यहाँ पर हमने कोई भी एनालिसिस वगैरह नहीं किया हुआ था। ठीक है, तो अगर हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो इसके लिए बहुत सारे एनालिसिस करना पड़ता है, जैसे टेक्निकल एनालिसिस हो गया, चार्ट पैटर्न हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, इंडिकेटर्स भी हम लोग देख सकते हैं, तो इन सब के बेस पर हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में क्लियरली अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग किया जाता है अपस्टॉक एप्लीकेशन के अंदर। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड अगर आप अभी तक अपस्टॉक एप्लीकेशन के ऊपर डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किए हैं तो अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको पिन कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप अपना डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। चलिए फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।